खिलाड़ी सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने शुरुआती चार दिनों के अंदर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार कमाई की, लेकिन दोस्तों फिल्म ने विदेशों में पूरी तरह से धमाका कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मास महाराजा अजय देवगन की मैदान फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो धुईमी मिली थी, लेकिन दोस्तों अच्छी फिल्म होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में तीसरे दिन और चौथे दिन एक बड़ा उछाल आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के चार दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोनों ही फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि बड़े मियां छोटे मियां और मैदान में आपको कौन सी फिल्म सबसे बेस्ट लगी। तो दोस्तों अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के ओरिजिनल एक्शन किंग अक्षय कुमार और उनके साथ नजर आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ। इस फिल्म में विलन के किरदार में देखने को मिल रहे हैं मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन। वही दोस्तों इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अलाया एफ और मानुषी चिल्लर भी देखने को मिले थे। 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को ईद के मौके पर जब रिलीज किया था तो फिल्म ने रिलीज होते ही दुनिया भर से पहले दिन 36 करोड़ 33 लाख रुपए की शानदार ओपनिंग ली थी, लेकिन दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में दूसरे दिन एक हल्का सा ड्रॉप आया था। पर दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे दिन सैटरडे था और चौथे दिन संडे होने की वजह से फिल्म ने फिर से अपने तीसरे और चौथे दिन दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की। हालांकि दोस्तों इस वक्त अगर बात करें बड़े मियां छोटे मियां के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं हम पिछले हफ्ते से चली आ रही फिल्म क्रू और द गोट लाइफ के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में और अजय देवगन की मैदान के भी चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड की कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रू के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे करीना कपूर, तबू और कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का भी एक केमियो था। 50 करोड़ के बजट में बनी क्रू फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त चल रहा है तीसरा हफ्ता। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 17 दिन, और अगर बात करें इस फिल्म के 17 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 15 दिनों में ही इंडिया से नेट कलेक्शन 71 करोड़ 23 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने 16वें दिन 1 करोड़ 37 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, तो 17वें दिन ये फिल्म ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों क्रू फिल्म का शुरुआती 17 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 74 करोड़ 30 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 87 करोड़ 90 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 128 करोड़ 15 लाख रुपए का हो चुका है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म गोट लाइफ के बारे में, पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म गोट लाइफ को भी सिनेमाघरों में तीसरा हफ्ता चल रहा, और इस फिल्म ने आज कंप्लीट कर ली है 18 दिन। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म द गोट लाइफ, जिसका बजट था 80 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने दुनिया भर में 18 दिनों में जो कमाई की है वो पूरी तरह से धमाकेदार है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने शुरुआती 16 दिनों में ही इंडिया नेट कलेक्शन 72 करोड़ 19 लाख रुपए का कर लिया था, और 17वें दिन फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ 85 लाख रुपए, तो 18वें दिन फिल्म का नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपए के रेंज में हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों द गोट लाइफ का शुरुआती 18 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 76 करोड़ 54 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 90 करोड़ 68 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 55 करोड़ 19 लाख रुपए की टोटल कमाई कर ली है, और इसी के साथ द गोट लाइफ का शुरुआती 18 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 145 करोड़ 87 लाख रुपए। बता दो दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की इस साल की अब तक की बेस्ट फिल्म मैदान के बारे में, अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म मैदान, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन और उनके साथ है प्रिया मणि। अब दोस्तों 150 करोड़ के बजट में बनी मैदान फिल्म जब ईद के मौके पर रिलीज हुई थी तो फिल्म को जो ओपनिंग मिली थी वो काफी बुरी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर फिल्म को जो रिव्यूज मिले थे वो पूरी तरह से पॉजिटिव थे, मतलब कि क्रिटिक्स ने तो फिल्म की जमकर तारीफें की थी, साथ ही साथ ऑडियंस ने भी इस फिल्म को अजय देवगन के करियर की बेस्ट फिल्म साबित कर दिया था। पर दोस्तों शुरुआती 2 दिनों में फिल्म की कम कमाई देखकर कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था कि यार इतनी अच्छी फिल्म है, उसके बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी
इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा दिन आते ही इस फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला और चौथे दिन तो इस फिल्म की कमाई और भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। जी दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर मैदान के शुरुआती चार दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों अजय देवगन की मैदान फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 7,25,00,000 रुपए का कर लिया था। वही दोस्तों फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 16,75,00,000 रुपए का किया। बात करें इस फिल्म के आज यानी कि चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आज संडे होने की वजह से फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले दिन से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। वही दोस्तों इस फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी ऑलरेडी काफी शानदार हो गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक अजय देवगन के मैदान अपने चौथे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8,20,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों मैदान फिल्म का शुरुआती चार दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 24,95,00,000 रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 29,60,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का चार दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 36,90,00,000 रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों फिल्म का जो वीकेंड है यानी कि चार दिनों का कलेक्शन है वो दुनिया भर में 36,90,00,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि कल है मंडे यानी कि वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे, तो अब कल से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात की जाए इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं चार दिन। अब दोस्तों आपको बता दें कि बड़े मियां छोटे मियां भी जब रिलीज हुई थी तो फिल्म को पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार ओपनिंग मिली थी और फिल्म ने विदेशों से भी पहले दिन काफी जबरदस्त कमाई कर ली थी। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन ओवरसीज मार्केट में तो बढ़िया रहे, लेकिन दूसरे दिन फिल्म के जो इंडिया के कलेक्शन है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं, जिसके चलते लगा था कि शायद अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तीसरा दिन आते ही फिल्म के कलेक्शन में फिर से एक उछाल आ गया और चौथे दिन तो संडे होने की वजह से फिल्म की कमाई फिर से जबरदस्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर बताया यहाँ पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ की चार दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन सभी भाषाओं से 36,18,00,000 रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म का जो दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सभी भाषाओं का 18,81,00,000 रुपए रहा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि अपने सैटरडे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 8,70,00,000 रुपए का किया। हालांकि दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर संडे होने की वजह से इस फिल्म के इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चौथे दिन एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और फिल्म को जो आज मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली वो तो जबरदस्त है। साथ ही साथ फिल्म की इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट के शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड हो चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां फिल्म अपने चौथे दिन इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 10,80,00,000 रुपए। और इसी के साथ दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां का शुरुआती चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 43,17,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 51,36,00,000 रुपए। बता दें दोस्तों चार दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 90 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म चार दिनों में दुनिया भर में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर रही है। अब देखना है दोस्तों, कल है मंडे, तो ये फिल्म कल से बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि दोस्तों अगर आपने इस हफ्ते रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों फिल्में देखी तो आपको सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी, उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।